So today we are going to learn about the uniform speed. So we'll start the class. The concept of uniform speed is from the chapter Motion in a Straight Line. This chapter se liya gaya concept hai. Just a minute, I'll change the color of my pen. Yes. तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड्स. द फर्स्ट टाइप इज यूनिफॉर्म स्पीड, जिसके बारे में आज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न. देन सेकंड इज योर वेरिएबल स्पीड, थर्ड इज एवरेज स्पीड एंड फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो ये चारों स्पीड के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, तो इनको हम लोग अलग अलग क्लास में सीखेंगे डिटेल में. तो आज हम लोग डिटेल में यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जानने वाले हैं. तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है? तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहां एक कंडीशन है, दिस टाइम इंटरवल में भी वेरी स्मॉल ऑल्सो, देन ऑल्सो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज वैलिड. ठीक है, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है. तो हाउ एवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में भी, हाउ एवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में भी, This will remember. तो equal distance traveled को जब हम equal interval of time से divide करेंगे तो we'll get the uniform speed. Here distance is also equal in every equal interval of time. Both are equal. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है speed का formula क्या होता है, distance upon time. तो distance is equal as well as time interval is equal. Both are equal. तो in this case we get the uniform speed. ठीक है, तो ये हो गया हमारा formula. Same definition is written over here, that object covers equal distance in equal interval of time, then it is known as uniform speed. अब हम लोग एक example लेंगे. इस example में क्या है कि यहाँ पे जो data दिखलाए गए हैं, ये data इस प्रकार से है, जैसे मैं A city से B city जा रहा हूँ. ठीक है, I am traveling to a city B by a car. तो I am traveling this 80 kilometer distance है total, इसको in four parts. First 1 hour में I am covering 20 किलोमीटर. ठीक है, डिस्टेंस. सेकेंड 1 hour में अगेन आई एम कवरिंग 20 किलोमीटर डिस्टेंस. थर्ड 1 hour में आई एम कवरिंग 20 किलोमीटर डिस्टेंस. एंड फोर्थ 1 hour, फाइनल 1 hour में आई एम कवरिंग 20 किलोमीटर डिस्टेंस. सो इन एवरी 1 hour आई एम कवरिंग 20 किलोमीटर डिस्टेंस. 1 hour 20 किलोमीटर. सो एवरी टाइम इंटरवल ऑफ 1 hour आई एम कवरिंग 20 किलोमीटर डिस्टेंस. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम. तो कितना हमारा यूनिफॉर्म स्पीड कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 20 किलोमीटर पर आवर. वन आवर से इसको डिवाइड कर देंगे तो अपना यूनिफॉर्म स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ऑल इंटरवल्स में डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर. तो इसको मैंने एक ग्राफ से दिखला रखा है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इसमें वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पे टाइम है. और जो डेटा इस टेबल में दिए हुए हैं, इस टेबल 1 में, इन डेटास को हमने इस ग्राफ में प्लॉट कर रखा है. तो इसको प्लॉट करने से मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है. ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर रही है कि जो स्पीड है दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड. दिस वी हैव टू रिटेन इन आवर मेमोरी, यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, That is why graph is straight line. तो uniform speed में जो graph straight line आया, ये क्यों आया, इसको हम लोग समझते हैं. अब मैं यहाँ पर आपको बतला रहा हूँ कि हमको जो speed है वो है 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, which is constant, किलोमीटर पर आवर. और ये जो है constant है, speed is constant. Speed is constant. और speed का formula क्या होता है, distance upon time.
तो जब स्पीड इज कॉन्स्टेंट तो डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। व्हेन टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसमें जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, इसी के लिए हमको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिला, बिकॉज हियर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, तो ये बात हमको क्लियर हो गया, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हमको यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर मैं 3 आवर और 4 आवर के बीच में जो 1 आवर है जिसमें ये चला है 60 to 80 किलोमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस, इसको इसका एक स्लोप लेता हूँ मैं, थीटा एंगल यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, स्लोप कैलकुलेट करता हूँ, तो 10 थीटा क्या होता है, ये 20 किलोमीटर है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो 10 थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 10 थीटा, दैट इज स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो 10 थीटा विल बी परपेंडिकुलर कितना है 20 किलोमीटर और बेस कितना है 1 आवर, तो वी आर गेटिंग 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्लोप से हमको क्या, स्लोप से अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमको क्या मिल गया, हमको स्पीड मालूम पड़ गई। तो स्लोप इज बेसिकली गिविंग अस द स्पीड, और यहाँ पे स्पीड जो है यो वो यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो स्लोप कैलकुलेट करने से हमको यहाँ पे स्पीड मालूम पड़ जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड इन दिस केस। तो यहाँ पे हमने दो बातें देखी, एक तो हमने देखा कि हमको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है, दैट इज बिकॉज डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, एंड सेकेंडली वी हैव सीन दैट स्लोप अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट द स्पीड। ये दो बातें सीख ली, और हमने यूनिफॉर्म स्पीड का यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लिया कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट कवर करेगा देन इट विल बी नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। सो दिस विद दिस वी हैव लर्नड अबाउट द यूनिफॉर्म स्पीड इन डिटेल। थैंक यू।